विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है या यूं कहें कि आखिरी दिन है। कांग्रेस ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या जी हैं। जानेंगे उनसे कि आखिर वो कौन से ऐसे मुद्दे थे जो जनता के उठाना चाहती थी कांग्रेस और विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया गया। सर, कौन से ऐसे वो मुद्दे हैं जो जनता को उठाना आप चाहते थे लेकिन आपको मौका नहीं मिल पाया, जिसके चलते आप लोगों ने वॉकआउट किया है? देखिए, आज बहुत ही दुखद दिन है हम सबके लिए और निश्चित रूप से बहुत पीड़ा है। जिस तरह से आज सदन में संसदीय परंपराओं को, संसदीय मूल्यों का हिरास देखने को मिला और जिस तरह से हमने आपदा जैसे महत्वपूर्ण विषय को, गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी की हम बात कर रहे हैं, चमोली जनपद है, चमोली जनपद में बाबा केदारनाथ, जोशीमठ में भीषण तबाही का मंजर हमने देखा है। कई बार जोशीमठ गया हूँ और आज तक उनका पुनर्वास नहीं हुआ है, मुआवजा नहीं मिला है। आज भी वो भाई के साए में जी रहे हैं और गौरीकुंड से लेकर सोनप्रयाग पिछले दिनों में आपदा से भारी क्षति हुई है, पूरा मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है और लोगों का कई हजार यात्री फंसा हुआ था। मैं खुद स्वयं उस दिन सोनप्रयाग में था, मैंने करीब से देखा, कोई व्यवस्था नहीं थी सरकार की ओर से। हाँ, जो सच है उसको कहना चाहिए, NDRF की टीम जरूर दिखाई देती थी, SDRF कहीं नहीं था, पुलिस प्रशासन कहीं था, प्रशासन नहीं था और आपदा प्रबंधन भी कहीं नज़र नहीं आ रहा था। दिखाई दे रहे थे मात्र सामाजिक कार्यकर्ता, व्यापार मंडल के पदाधिकारी जिन्होंने खाने की, सारे रहने की व्यवस्था वो कर रहे थे और लेकिन इसी तरह भिलंगना घाटी है घनसाली में, बूढ़ा केदार है, जो तोली गांव है वहां भीषण तबाही हुई है, पूरा गांव तबाह हो चुका है। इस तरह तिलगढ़ में काफ़ी नुकसान हुआ है, तोली में एक माँ बेटी जमीन में दफन हो गई और सरकार उनका विस्थापन नहीं कर रही है। इसी तरह धारचूला में पिछले 4 वर्ष से लगातार वहाँ के स्थानीय विधायक माननीय हरीश धामी जी पुनर्वास की मांग कर रहे हैं, विस्थापन की मांग कर रहे हैं, खुले आसमान के नीचे गांव के, पूरा गांव वहाँ भी खतरे की जद में आ चुका है और खुले आसमान के नीचे एक स्टेडियम में वो रह रहे हैं और उनका भी पुनर्वास विस्थापन नहीं हो पाया है। आज इसी को लेकर माननीय सदस्य ने अपना विरोध दर्ज किया है, नाराजगी व्यक्त की, उनको बोलने का अवसर नहीं दिया। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम सरकार के सामने भ्रष्टाचार के कई नए आयाम जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने स्थापित किए हैं, एक नई लाइन तैयार की है उस पर भी हम चर्चा करना चाहते थे लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं थी और संख्या बल के आधार पर उन्होंने विपक्षी आवाज़ को दबाने का काम किया, संसदीय परंपराओं की अवहेलना की, संसदीय मूल्यों का ह्रास किया है और निश्चित रूप से बाबा केदारनाथ की इस पवित्र भूमि से निश्चित रूप से हम कहना चाहते हैं कि जो आज हुआ है इसका सबक बाबा केदारनाथ इनको अवश्य देंगे। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य थे, जिन्होंने कहा है कि विपक्ष की आवाज़ लगातार दबाने की कोशिश की जा रही है, हमने अपनी बात कहने की पूरी कोशिश की लेकिन संख्या बल के आधार पर हमारी आवाज़ को सत्ता पक्ष ने दबा दिया और हमें कुछ नहीं कहने देगा। इसके चलते कांग्रेस के तमाम सदस्यों ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया है, साथ ही तमाम गंभीर आरोप राज्य सरकार पर लगाए हैं। साफ तौर पे कहना था यशपाल आर्य जी का कि जिस तरह से विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है वो एक तरह से जनता के सवाल थे जिन्हें सरकार सुनना नहीं चाहती। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।